भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि हमको ये 50 लाख रुपया देना पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती है। हमने ये भी फैसला किया है कि कोरोना के पॉजिटिव मरीज के साथ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, वार्ड बॉय हो, कंपाउंडर हो, वो जो काम कर रहे हैं उनको 10,000 रुपया प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। और इसी प्रकार यदि और किसी विभाग का, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो इलाज तो निःशुल्क होगा ही, लेकिन 10,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, इंदौर की जूना इंदौर थाने के थाना प्रभारी हमारे साथी जांबाज अफसर देवेंद्र चंद्रवंशी नहीं रहे, उज्जैन के नील गंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल भी कोरोना के संक्रमण से लड़ते लड़ते चले गए। इन दोनों कर्मवीरों को मैं प्रणाम करता हूं। उनका परिवार अकेला सरकारी नौकरी देने का फैसला किया, 50 लाख रुपए की सम्मान निधि देने का फैसला किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मतलब उनके सर्विस काल तक पूरी वेतन उन परिवारों को देंगे और उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, पुलिस के हमारे अफसर जवान दिनों रात लग के, उन सब के लिए भी हमने कोरोना पदक देने की का फैसला किया है, 15 अगस्त के दिन दिया जाएगा। और बाकी भी विभागों के कर्मचारी जो बेहतर और उत्कृष्ट काम कर रहे हैं उनको कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे रियल हीरो है। इतनी अवधि में जो काम मुझसे हो सकता था, सरकार से हो सकता था, दिनों रात हमने करने की कोशिश की है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना से लड़ाई लंबी लड़ाई है, ये एक दो दिन एक दो महीने की नहीं है, हो सकता इससे ज्यादा लंबी भी चले, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं बनाते हुए हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हिम्मत और हौसला है तो यमराज के मौत के मुंह से भी वापस लौट आते हैं, उसे चिंता मत कीजिए, सावधानी रखना है। जितनी चीजें पहले बताई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी, अरे उनके नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री ऐसे योद्धा हैं कि सारी दुनिया कह रही है कि कोरोना से लड़ाई में सबसे सार्थक प्रयास अगर किए हैं, नेतृत्व अगर दिया है तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उन्होंने जो चीजें तय की है, सरकार ने जो चीजें तय की है उसका हम पूरा पालन करेंगे। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ फिर बैठक करने वाले हैं, उस बैठक के बाद आगे के काम भी तय होंगे। एक दुखद घटना इस बीच में जरूर हुई है मेरे बहनों और भाइयों, दमोह जिले की हमारी एक बिटिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शिकार हुई है। दोनों दरिंदे पकड़ लिए गए हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। संवेदनशील अपराध मानते हुए वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिटिया की पूरी देखरेख और इलाज सरकार करेगी ताकि आगे उस बेटी का भविष्य उज्जवल हो। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हिम्मत और हौसले रखिए, मिलकर हम लड़ेंगे। और एक बात और, ये चुनौती है कोरोना का संकट, ये चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से हम घबराएंगे नहीं, इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन मैं पैसे की कमी की बात भी नहीं करूंगा, व्यवस्थाएं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप और हम मिलके कोरोना को भी हराएंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक नया इतिहास भी रचेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।